हे गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू रुक स्टार व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? सो बहुत जल्द मैं जाने वाली हूँ दिल्ली, क्योंकि मम्मी से भी मिलना है और बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं तो सबकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो घर वालों ने कहा जाओ भाई एक बार के मिल करके आओ, क्योंकि ईद भी चली गई और बस बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ मम्मी से मिलने के लिए। और जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ पर हमारे घर के पास में ही एक शादी है। तो जो शादी है वो फ़हीम की खाला के यहाँ शादी पड़ी हुई है। तो वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि वो लोग मेरे भी घर आएँ, क्योंकि हम लोगों का घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कि 1 किलोमीटर के दरमियान ही हम लोगों का घर है। तो अगर वो लोग खाला की शादी में आते हैं तो होपफुली वो मेरे घर भी आएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हम लोग आसपास में रिलेटिव्स का घर होता है तो उनके यहाँ जाते हैं मिलने हमेशा ही। आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि रिलेटिव्स के अगर आसपास घर होता है और शादी पड़ी होती है तो सभी लोग मिलने मिलाने जाते हैं। तो बस आज बारात वाला दिन है, हो सकता है कि आज वो आए। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपनी थोड़ी पैकिंग और जो बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो चलिए मिलती हूँ। तो ये हो रही है मेरी पैकिंग और कहाँ से कहाँ तक पूरा फैला हुआ है। मेकअप, चूड़ियाँ, कपड़े का जो बैग है वो रेडी हो चुका है उस तरफ। ये सारी चीज़ें अभी, जैसे कि बैंगल्स, मेकअप बचा हुआ है और 2-3 कपड़े भी बचे हुए हैं मेरे रखने के लिए। तो अभी तो पूरा ही फैला हुआ था, इनफैक्ट मैंने जब उसमें रख लिया तब इतना दिख रहा है, अभी और भी ज़्यादा मैसअप था। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सही, बहुत सही। और कैसी हो? मामी और फ़हीम आए, हमारे गाँव में शादी पड़ी है तो मामा तेरे घर आए। मेरे घर तो आयो, लेकिन हमारे गांव में जो शादी पड़ी है उसमें आयो ना, तो मिलने तो आते हैं रिलेटिव्स। हाँ, अपनी खाला के आया है। तो मामी आते ही बारिश करवा दी। हम तो पक्के तैयार बैठे हैं, ये बहुत देर से कह रहा चलो। मैं इतनी देर से सोच रही हूँ बारिश हो रही है, थोड़ा बंद हो जाए अभी भी, या फिर हम बैठी जा रहे हैं मतलब कपड़े। मैं कहना चाहता हूँ बहन की असली मोहब्बत जब दिखती है जब वो दूर हो जाती है। दूर ऐसे मतलब ससुराल चली जाती है। बस मैंने उकसार ने मैसेज भी किया था, भाई यार आ रही है तेरी। सच में आ रही है। उधर बैठ जाके, उधर बैठा जाके। अभी एक बार मुझे सो के उठ। के है हमारी नुकसान की सासू माँ और हमारी भाभी। भाभी है ही है, पहले तो भाभी वाला है। मौसी खालक पदे तो मौसी की दूसरी बहन है। पूसी, उसका नाम है पूसी है। आपका नाम पूसी है? उसका नाम पूसी है, पर बड़ी सुस्ती है ना इसके ना बेबीज। हाँ बताओ, मौसम खराब है यहाँ पर, मौसम सही नहीं है, यही नहीं है। किसका फोन आ रहा है? रुखसार का फोन आ रहा है क्या? थोड़ी तबीयत इनकी खराब चल रही ना। हाँ वैसे ही भाई खबरी आने वाली है। खातिरदारी हो रही है। अरे मुझे लगा कुछ अच्छा लेकर आ रही है तो। कुछ अच्छा, चाय वर्ल्ड की बेस्ट चीज है। मैं पीता नहीं हूँ, बहुत लोगों को पसंद है, तुझे नहीं पसंद तो। मैं कॉफी पीता हूँ मायके में, तो वैसे भी मैंने सुना है ये चीज़। तो कॉफी बना दे रही हूँ ना तेरे लिए। पीता भी देंगे ना, बनाने परेशान कर रहे हो तेरे पास। मेहमानों के जाओ तो कुछ भी पीना पड़ता है। मेहमान और मेहमानी में जाओ, मेहमानी में जाओ जबरदस्ती खाना पड़ता है। हमारे यहाँ नहीं तो शोएब को बहुत सारी चीजें नहीं पसंद, लेकिन जब वो जाता है तो चुपचाप खा लेता है। मैं यहाँ आ गई हूँ ना तो मुझे पता चला है कि उनको क्या क्या चीज नहीं पसंद। वो तो पहले से ही सोचा था मैंने, जब मैंने सुना था ना कि आ रहे मामा कल है जो नहा कर घूम के रखे ना, कहीं ये जो ना जो आए बार ज्यादा टाइम न लागे, नहीं तो बहुत टाइम लाग गया वैसे बनाने की टाइम लाग गए। मेरे पप्पू का पहचान जाएगा। ले भाई ये चलेगा तो उनका दिल्ली तो और तुरका सबका ना सही रहता है। पास में तो थोड़ा सा देना, इतना बस बस। मामी को घोड़े वाली आदत गई नहीं है ना, कबूल नहीं करती है। कौन कहा जा मेरी सासू माँ ने बनाया भाई। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मना कर दी है। अच्छा लगता ना बात नहीं है। देखो हम यहाँ आ गए के मतलब मायके में जिंदगी बीत जाए तो फ़हीम और मामी जा चुकी है। वैसे मेरी बुआ लगती हैं वो, मुझे मतलब पता है, लेकिन शुरू से मामी बोला है क्योंकि नईम मामा को हम लोग मामा बोलते थे, उनको मामी है। वैसे वो बुआ लग रही। मामी लोगों के जाने से पहले हो सकता है कि मैं ही चली जाऊं, क्योंकि एंड टाइम पे जब टिकट होती है ना तत्काल में, तो वो एक दिन में ही हो जाती है और अगले दिन हमें जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता पैकिंग वगैरह करने का और आधी चीज़ें यहीं रह जाती हैं। मतलब जो छोटी चीज़ें होती हैं वो हम भूल ही जाते हैं। तो ये मेरा बैंगल सेट है जो कि जिसमें ये वाला जो है ना, ये तो हमेशा ही यूज़ में आता रहता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको मेकअप दिखा दूँ कि क्या क्या ले करके जा रही हूँ। और एसेंशियल्स में तो बहुत ही कम चीज़ होती है, काजल होना चाहिए, लिपस्टिक होनी चाहिए, कोई भी बीबी क्रीम रख लो, फेस पाउडर रख लो, 3-4 चीज़ें ही एसेंशियल्स में आ जाती हैं। बट अगर हमें कहीं पर जाना होता है शादी वगैरह में, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेकअप करना होता है। तो अभी सेल भी चल रही है, तो सेल के टाइम पे जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइसेस में मिल जाता है। अमेज़ॉन पे तो अभी आई थिंक 50-70% तक का ऑफ मिल जाएगा आपको, वहाँ पर स्टार्ट हो गई है ग्रेट समर सेल। तो आपको जो भी चीज़ें अपनी स्किन केयर वगैरह है ना, वो भी इसी टाइम पर ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ये द डर्मा को का सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन तो मतलब मस्ट है, आपको कोई सा भी होना चाहिए। एक लैक्मी वाला है, वो भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ, और एक न्यूट्रोजेना वाला है। तो सभी के लिंक्स आपको दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट मैंने ये कंसीलर लिया है मिलानी का। फाउंडेशन में मुझे ज़्यादातर फाउंडेशन जो डेली मैं यूज़ करती हूँ वो है ये लॉरियल इन्फ्लेबल का, और 2 फाउंडेशंस मैं ये वाले भी यूज़ करती हूँ मामा अर्थ के। और ग्लो सीरम फाउंडेशन है, लगाने पर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है फेस पर। बाय द वे ये जो पूरा बैग देख रहे हैं आप, ये बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था, बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं इसको अभी बेड पर निकाल दूँगी ना तो ये पूरा बेड फैल जाएगा, बट इसमें लग रहा है कि कितने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें रखी हुई हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं चीज़ें। इसमें आप देख करके मतलब साइड में भी बहुत अच्छा सा पूरा पैटर्न है, यहाँ पर आप अपने छोटी चीज़ें कुछ भी रख सकते हैं। इवन यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसका भी लिंक मैं दे दूँगी, अगर किसी को लेना हो तो वो ले सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप कुछ भी ना लें, ये ज़रूर ले लेना। नेक्स्ट मैंने एक शीट मास्क रखा हुआ है, हाइलुरोनिक बैम्बू शीट मास्क। ऑफ कोर्स रेड लिपस्टिक शादी के बाद मस्ट हो गई है मेरे लिए, तो लगानी ही लगानी है। ये मैंने दूसरी जगह से लिया था, बट आपको यहाँ पर ना सेल प्राइस पे बहुत ज़्यादा अच्छे रेंज में मिल जाएगा। ये 4 में से मिलानो का आई शेडो है, इसका मैं पिगमेंटेशन दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके का डुअल शेड में ना थोड़ा सा मल्टी क्रोमैटिक इफ़ेक्ट आता है इसको लगाने के बाद, बहुत खूबसूरत लगा मुझे ये मैं आपको 100% रेकमेंड करूँगी गाइज़। नेक्स्ट मैंने ये क्लेचर लिया था, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है लगाने पर। इवन ये जब इसकी जो लड़ियाँ हैं बालों के ऊपर गिरती हैं ना, तो वो भी अच्छा लगता है। तो मेरी जो फेवरेट्स हैं वो आई थिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज। अगर आप किसी को भी लेना हो तो वो ले सकते हैं। वहाँ पे मेरे 2 पार्सल्स ऑलरेडी आए हुए हैं। ये वाला ड्रेस आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये मैंने अभी रिसेंट व्लॉग में वेयर करा था, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। इसका एक पूरा हॉल भी शेयर कर दिया है मैंने चिकनकारी कुर्तीज़ का। तो आप ये सारी चीज़ें अगर लेनी है, इनफैक्ट जो जो मैंने यहाँ पर यूज़ करती हूँ डेली में, सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अमेज़ॉन पे ग्रेट समर सेल चल रही है 4 to 8 मई तक, तो फटाफट से अपनी सारी चीज़ें ले लीजिए। एक रिलेशन से वो मेरी मामी लगती हैं और एक रिलेशन से वो बुआ लगती हैं। अपने यहाँ तो यही है वो। सही में इतने रिश्ते बदल जाते हैं। और मामी आई मिलने, राजू आया ईद के बाद, मतलब पहली बार किसी से मिल रही हूँ घर वालों से। बाय द वे अच्छा लगा सब लोग आए। और कल मेरी यहाँ से जाने की टिकट होने वाली है, तो वो उन लोगों के जाने से पहले मैं ही दिल्ली पहुँच जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं कल, और मम्मी से मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन बीत गए हैं।